प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पूरे भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस प्रकार से हर एक भारतीय को इस यात्रा का फ़ायदा होगा, क्या क्या समझौते किए जा रहे हैं, अमेरिका में जाकर मोदी ने क्या भाषण दिए, कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। क्यों ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक इतने बड़े राष्ट्र अमेरिका और भारत जब आपस में मिल रहे हैं तो ये यात्रा बहुत ही रोचक हो जाती है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत और गहरे हुए हैं, क्योंकि भारत भू राजनीतिक उथल फुथल के इस दौर में वैश्विक मंच पर अपना उचित स्थान सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि पूरे विश्व की हम बात करें तो पूरे विश्व में राजनीतिक और आर्थिक जो परिदृश्य हैं उनमें असमानता की वजह से ही भारत का जो रुतबा है, भारत का जो स्थान है वो हमेशा से ऊंचा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत अपने स्थान पर बहुत ही स्टेबल है। ये बात समझनी होगी कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच एक गहरा भरोसा है। दोनों देशों के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग आपसी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सहयोग व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र तक फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक में भारत की भूमिका का समय आ गया है। भारत विकासशील देशों की लंबे समय से उपेक्षित की गई आकांक्षाओं की आवाज़ बनकर उभरना चाहता है। भारत को अधिक उच्च, गहरी और व्यापक प्रोफाइल तथा सही भूमिका मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव की ज़रूरत है ताकि वे तेज़ी से उभर रही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए स्वयं को तैयार कर सकें और विश्व के ऐसे छोटे देशों और उनकी प्राथमिकताओं को उनमें प्रतिनिधित्व बढ़ सके जो जलवायु परिवर्तन तथा कर्ज में कटौती जैसी समस्याओं के परिमाण झेल रहे हैं। इन वैश्विक शक्तियों के साथ भी साझेदारी कर भारत के हितों को आगे बढ़ाना होगा जो एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रही हैं। भारत अपनी विविधता को न केवल सहन करता है बल्कि उसका जश्न भी मनाता है। हजारों वर्षों से भारत में सभी धर्मों और मान्यताओं के लोग शांतिपूर्वक और सौहार्द से रहते हैं। सह अस्तित्व के साथ, स्वतंत्रता के साथ यहाँ निवास करते हैं। आप दुनिया के हर धर्म के लोगों को भारत में सद्भावना के साथ रहते हुए पाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर भारत सरकार ने नौकरशाही को ख़त्म करने, नियमों में ढील देने की प्रशंसा हासिल की है। भारत सरकार ने अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता खोला है। अहम बात यह है कि भारत की युवा आबादी होनहार है और देश के लिए महत्वपूर्ण जनसंख्या के लाभांश है। सरकार ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। भू राजनीतिक तनाव के युग की यदि हम बात करें तो इस युग में जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने का प्रयास करती है, वहां भारत इसका फ़ायदा लेने के लिए तैयार है। एप्पल दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण नए निवेश करने वाली कंपनियों में से एक है। यह आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में अपनी नई इकाइयाँ लाने की योजना बना रहा है। यदि हम बात करें भारत की FDI की तो भारत की FDI निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत की यदि भौगोलिक परिदृश्य में और आर्थिक परिदृश्य में हम बात करें तो भारत का वजूद जो है ये पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत में युवा आबादी 34% होने के कारण पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा मार्केट भारत। उसी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एप्पल कंपनी ने हाल ही में दक्षिण भारत में अपने एक कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की है, जो कि उसकी आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन कंपनी होगी। उसके साथ उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में नई इकाई लाने की योजना बना रखी है। आईफोन का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत किसी देश का स्थान नहीं लेना चाहता, भारत विश्व में अपना सही स्थान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आज दुनिया परस्पर रूप से पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर पहले से ज़्यादा निर्भर है। सभी के लिए समान रूप से आगे बढ़ने देने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक विभिन्नता होनी चाहिए। चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी सीमा क्षेत्रों में शांति जरूरी है। हम संप्रभुत्व और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, कानून के शासन का पालन करने और मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने में गहरा विश्वास रखते हैं। साथ ही
भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करने की पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध हाल के वर्षों में आर्थिक कारणों से बहुत हद तक मजबूत हुए हैं। 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 191 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वहीं अमेरिका में निवेश करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत भी एक है। हालांकि इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ भी अपने निकट संबंध बनाए रखे हैं। रूस अब भी भारत को 50% सैन्य आपूर्ति करता है। इसमें हथियार, गोला बारूद, ट्रक, जेट, लड़ाकू विमान और S-400 वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। अमेरिका के साथ उन्नत हल्के लड़ाकू विमानों को शक्ति देने के लिए जेट फाइटर इंजन के भारत में निर्माण के सौदे किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही समझौते के तहत हाई एल्टीट्यूड वाले संयंत्र प्रीडेटर ड्रोन भी अमेरिका से खरीदे जा सकते हैं, जिन्हें भारत हिंद महासागर और हिमालय में चीन के साथ विवादित सीमा के निकट अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है कि भारत की स्थिति को पूरी दुनिया में अच्छी तरह से ज्ञात है और अच्छी तरह से पूरी दुनिया ने समझा है। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। जब यूक्रेन संघर्ष की बात आती है, यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात आती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं बल्कि हम शांति के पक्ष में हैं। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों को युद्ध से नहीं, कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए। कई बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है। हाल ही में जापान में भी G7 के शिखर सम्मेलन में भी ज़ेलेंस्की से बात की थी। शांति के लिए भारत जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा। यह बात समझनी होगी कि भारत संघर्ष को समाप्त करने तथा स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के सभी वास्तविक प्रयासों का समर्थन करेगा। दुनिया की कई समस्याएं जैसे आतंकवाद, छद्म युद्ध और विस्तारवाद की एक वजह शीत युद्ध के दौरान बनाए गए वैश्विक संस्थानों की विफलता भी है। वैश्विक संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र में बदलाव अब समय की आवश्यकता है। इन प्रमुख संस्थानों की सदस्यता को देखें, क्या यह वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? अफ्रीका जैसी जगह की क्या कोई आवाज़ है इन वैश्विक संगठनों में? भारत विशाल जनसंख्या और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा स्थान रखता है, लेकिन क्या यह वहाँ पर मौजूद है, अर्थात उसका सदस्य नहीं है? दुनिया भर में शांति अभियानों में भारतीय सेनाएं अपना योगदान देती हैं। परिषद की वर्तमान सदस्यता की समीक्षा होनी चाहिए और दुनिया से पूछा जाना चाहिए कि क्या वह शांति चाहते हैं कि भारत वहाँ रहे। संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी भारत की अनुपस्थिति अभी बहुत ही अखरने वाली है, क्योंकि उसका भी भारत को सदस्य बनना चाहिए। ये था आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत अमेरिका यात्रा को लेकर। दोस्तों, अभी तक आपने ज्ञान का डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके घंटी वाले के निशान पर क्लिक अवश्य करें। ज्ञान का डा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलता है। ये राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गाँव ढाने घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। आप यदि बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, SIP, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न या फिर आपकी व्हीकल इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा, जिस पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा तीसरा एक यूट्यूब चैनल है हेल्थ अड्डा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ अड्डा अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।